राजस्थान में चल रही तेज और शुष्क हवाओं की वजह से उत्तर भारत के कई इलाकों में धूल की परत जम गई है, जिसके चलते राजधानी दिल्ली में भी लोगों को सांस लेना दुश्वार हो गया है। मौसम विभाग की तरफ से अगले 3 दिनों तक इससे राहत मिलने वाली नहीं है। इसी के चलते सरकार ने इस धूल से निपटने के लिए कमर भी कस ली है। सरकार सड़कों पर पानी का छिड़काव करवा रही है ताकि इस धूल के प्रदूषण को कम किया जाए और लोगों को राजधानी में स्वच्छ हवा मिल सके। ये जो हम पानी डाल रहे हैं प्रदूषण की वजह से डाल रहे हैं, ये गर्मी ज़्यादा हो रही है, इससे पब्लिक को परेशानी ना हो। रोड में पानी डाल रहे हैं। आपको जो आदेश दिए हैं वो किसने दिए? हमारे कमिश्नर साहब के आदेश हैं, हमने कमिश्नर साहब के आदेश हैं। तो ये पेड़ पौधों में डालने के लिए ओनली रोड धोने के लिए? ये सभी के लिए जी, पेड़ पौधों में भी डाल रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक का आपको जो क्षेत्र दिया है? एल जी हॉस्पिटल से लेके और DLF के मोटर डालना जी, इतना ही एरिया दिया गया। बाकी एरिया दूसरा जिसके जेई पे जो वार्ड है वो अलग डालना। अच्छा, आपके जेई के पास इतना ही बड़ा रूट है बस? यही रूट आपके जेई के पास है? आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से धूल को कम करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। यह नज़ारा है उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी इलाके का, जहां लगातार सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि धूल के प्रदूषण को कुछ हद तक कम किया जा सके। उत्तर पूर्वी दिल्ली रिपोर्टर सिटी न्यूज के लिए मेघराज सिंह की रिपोर्ट।